हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एपिसोड नंबर 164 के साथ। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने ये देखा था कि वहाँ पे जो मिस सू का होता है उसका एविल साइड जो होता है, ड्रैगन सोल जो होता है, वो आज़ाद हो जाता है और उसका फादर उसके सामने आग बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से कैद कर लूँगा। वो अपनी एनर्जी को यूज़ करते हुए एक बीस्ट ड्रैगन टर्टल को वहाँ पे ले आता है। वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह फिर से मुझे यहाँ पे रोक सकोगे, सील कर सकोगे? लेकिन उसका फादर अपने जो बीस्ट ड्रैगन होता है उससे उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अपने तलवार को बहुत मतलब अपनी एनर्जी काफ़ी ज़ोरदार तरीके से वहाँ पर रिलीज करती है, जिसकी वजह से वो जो ड्रैगन होता है, टर्टल होता है, वो वहीं पर टूट जाता है। उसके वजह से उसके फादर पर ज़ोरदार प्रेशर पड़ता है और उसके फादर के मुँह से भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसके फादर बोलते हैं कि ये पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको फिर से उस तरह से सील नहीं कर सकता। वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब अगली बारी तुम्हारी, और साथ ही वो अपना जो हथियार होता है उसको लेके अपने फादर के ऊपर अटैक कर देती। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते कुछ मैजिकल चेन जो होते हैं, एनर्जी से बने हुए चेन आते हैं और मिस सू को वहाँ पे लपेट लेते। वो चेन को और किसी ने यू ने फेंका होता। यू ने बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा हर्ट हो रहा होगा, लेकिन मुझे ये करना होगा क्योंकि तुम आपे के बाहर जा रही हो। बोलते एक नंबर के डरफोक हो, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं कि तुम मुझसे 1v1 चैलेंज कर सको, इसलिए तुम मेरे पीछे से आज मुझके ऊपर अटैक कर रहे हो। ये बोलते हैं हाँ मैं डरफोक हूँ, क्या कर लोगे तुम, क्या ही कर लोगे। साथ ही उसके पास आता और एक छोटा सा फेदर जो होता है, पंख होता है, उससे उसे गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से तब तक फ्री नहीं करूँगा जब तक कि तुम मेरी बात ना मान लो। वो हंस रही होती, बोलती है गुजारो जो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर जैसे ही मैं इस चेन से आ जाऊँगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसके फादर वहाँ पे आते और बोलते ये जो चेन है ये तो एब्सोल्यूट सोल लॉक है, आखिर ये तुम्हें मिला कहाँ से? ये बोलता है कि ये मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा काम का होगा, लेकिन ये अभी काम आ गया। उसके फादर बोलते चलो ठीक है, 8 साल पहले ऐसा हुआ था कि ड्रैगन सोल जो वो सडनली यहाँ पे अवेकन हो गया था और उसने पूरी की पूरी ये पैलेस, ये शहर है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जूनियर की मदर और मैंने मिलकर काफ़ी मुश्किल से इस ड्रैगन सोल को कंट्रोल किया था और इसको किसी तरह करके हमने इस सील के अंदर ड्रैगन सोल को सील कर दिया था, लेकिन फाइनली यहाँ पे वापस से आ गई है और इसका स्पिरिचुअल पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे आने के बाद ये काफ़ी तबाही मचाने वाली थी, लेकिन शुक्र है ये कि तुम यहाँ पे हो और तुमने इसे यहाँ पे रोक दिया है। और लास्ट टाइम जब हम लोग ने इसको सील किया था तब हमारे पास उतनी मैजिक नहीं थी, इसलिए इसके मदर ने खुद को सेक्रीफाइस करके इस ड्रैगन सोल को मिस सू के अंदर सील किया था। ये बोलता अच्छा ऐसी बात, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये ड्रैगन सोल आया तो आया कहाँ से। एम्परर उसे बताते हैं क्योंकि हमारा रॉयल फैमिली है, वो प्योर ब्लडेड प्योर ब्रीड का ह्यूमन नहीं है, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर थे उनके पास ड्रैगन क्लैन का ब्लड था और हज़ारों साल से मतलब जैसे जैसे हमारा जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता गया वो जो ब्लड था वो खत्म होता गया और हमारे जनरेशन में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि उस ड्रैगन के पावर को यूज कर सके। लेकिन फिर भी काफ़ी समय बाद जब मिस सू का जन्म हुआ, मेरी बेटी का जन्म हुआ, तो वो डिफरेंट थी, उसके बॉडी के अंदर वो 9 ड्रैगन्स का जो लेजेंडरी 9 ड्रैगन है उसकी पावर मौजूद है। ये बोलते रुक जाओ, तुमने बोला था लेजेंडरी 9 ड्रैगन, ये नाम तो मैंने सुना है, लू फेंग ने मुझे ये बताया था। साथ ही उसके फादर फिर से उसे बताते हैं कि हाँ ये सही है, ये जो ड्रैगन पावर तुम देख रहे हो जूनियर के बॉडी के अंदर से आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर ये सोल जो है ड्रैगन सोल अवेकन हो गया और इसे पता चल गया कि वो इस बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा और ये पूरा पूरा जगह जो तबाह हो जाएगा। और हम लोग और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, हम लोग को जल्दी जल्दी करके उस ड्रैगन सोल को कैद करना होगा, सील करना होगा ताकि हमारी जो सू है वो वापस आ सके। इविल मिस सू बोलती है कि तुम लोग सब मिस सू बस उसी का नाम ले रहे हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा एनोइंग है, तुम लोग को मेरी कोई फिक्री नहीं है। साथ ही बोलता है ये जो बॉडी है ये पूरी तरह मेरा हो गया, अगर तुम लोग वापस मुझे सील भी कर दो तो भी मिस सू जब वापस नहीं आएगी। ये बोलता है कि ड्रैगन सोल तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे कहने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा उसके बाद मिस सू जब वापस आ जाएगी। लेकिन एम्परर तभी बोलते हैं कि हमारे पास एक और रास्ता है मिस सू को वापस लाने का। बोलता है कि हम लोग को उस लू लॉन्ग जू टॉम जो है वहाँ पे जाना होगा, वहाँ पे जो ड्रैगन गॉड है वो हमारे एंसेस्टर है तो वो हमारा हेल्प कर सके, उनके पास कोई ना कोई सोलूशन ज़रूर होगा। लेकिन जो लॉन्ग सू का मैप है वो मेरे पास पूरी तरह से मौजूद नहीं है, मेरे पास इतने सालों में बस 2 ही टुकड़े हैं, अगर हम लोग बाकी के टुकड़ों को जमा कर ले या ढूंढ ले तो हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन वो टुकड़ों को पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये बोलता है अच्छा ऐसी बात है, साथ में अपने पैकेट में जेब में हाथ डालता है, बोलता है कि चलो ठीक है मेरे पास सारे के सारे टुकड़े, ये टुकड़े देख के सारे बंदे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शौक है, बोलते ये सारे के सारे टुकड़े तो उस लॉन्ग जू टॉम के मैप के निशान मतलब जो एरिया उसको बताता है। यू बोलता है हाँ चलो अभी इन सबको मिला देते हैं, साथ ही वो सारे जितने मैप के टुकड़े थे उन सबको मिला देता है। तो उसके बाद वो बताता है कि ये देखिए ये पिक्चर जो वो लॉन्ग जू टॉम को दर्शाता है और यहाँ पे हम लोग को जाने के बाद वो ड्रैगन गॉड मिल जाएगा। यू बोलता है चलो ठीक है अब हम लोग को वहाँ पे जाना हो क्योंकि ये इस कॉन्टिनेंट में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। उसके फादर बोलते हैं हाँ ये इस कॉन्टिनेंट में नहीं, ये नॉर्थन ईस्ट जो प्लेस है वर्ल्ड का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ चुकी, वो जगह जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फीला है। साथ ही मैं थोड़ा समय बाद का सीन दिखाते हैं जब यू जो होता है मिसू और मिसलू के साथ उतना नॉर्थन पोल की तरफ चला जाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ होती है, ठंड पड़ रही होती है। यू जो होता है मिसलू से पूछता है कि क्या तुम्हें इस जो आर्कटिक प्लेस का जो मतलब इतना ठंड एरिया में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? बोलती नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहती थी, यहाँ से ठंड हो या गर्मी उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और मिस लू जो थी मनी मन सोच रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यू एक बार मेरे आंखों के सामने से चला गया उसके बाद मैं इससे दोबारा कभी नहीं मिल सकती, इसलिए मुझे इसका साथ हमेशा रखना होगा। यू ने मिसू को पकड़ लिया होता तो मिसू बोल हाफ रही होती क्योंकि उसने उसके मुंह में रुमाल दे दिया था जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रही होती। यू बोलता है कि अगर तुम और इस तरह से हिलती डुलती रही तो मैं यहाँ पर पटकूंगा और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पीटने वाला हूँ। मिस लू जो होती बोलती कि ड्रैगन सोल गर्ल जो है वो लगता है कि कुछ कहना चाहती है, क्यों ना हम लोग इससे बात कर ले। यू बोलता है चलो ठीक है, हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट भी करना है तो हम लोग इससे बात कर सकते हैं। वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और उसके मुंह में डाला हुआ रुमाल को यूँ निकालने लगता है, बोलता है कि अगर तुमने यहाँ कुछ किया तो मैं वापस से ये रुमाल तुम्हारे मुंह में डाल दूँ। लेकिन वो जैसे उससे मुंह से रुमाल निकालता है वो उसके हाथ पे बाइट कर देती है। ये बोलता है इसने तो ये काफ़ी बुरा किया। लेकिन जो ड्रैगन सोल होती है वो उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा आतंक भूल चुके हो, क्या तुम्हें मैं बच्ची लग रही हूँ, रुको मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। लेकिन यूँ जो होता है फिर से अपने हाथ में वही पंख निकालता है, मतलब जो पत्ता होता है वो निकालता है, बोलता है कि क्या तुम वो मेरा असली रूप भूल गई हो। बोलती है नहीं 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 रुक जा मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। साथ ही वो हंसते स्टार्ट कर देती, बोलती कि प्लीज़ मत करना, प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना। यू बोलता है मुझे भी ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब क्या ही कर सकते। साथ ही वो बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें और कुछ एक्स्ट्रा किया तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। साथ ही वो उसे छोड़ देता है और बोलता है मुझे मालूम है कि सब तुम्हें बीस्ट की तरह देखते, मॉन्स्टर की तरह देखते, इसलिए तुम उन सबसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करती हो और उन सबको मार देना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। साथ ही वो उसके पास बैठ के उसे बातें करना स्टार्ट कर देता है और मिसू जो होती है उसे बोलती है कि ठीक है ठीक है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई, अब मैं तुम्हें कुछ भी परेशान नहीं करूँगी। यू जो होता है उसे बताता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा से मिसू के बॉडी में सील कर दूंगा, मेरा बस ये सोचना है कि किसी न किसी तरह से ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जिसकी वजह से तुम और मिसू जो दोनों इस बॉडी में आराम से मिलजुल के रह सको। साथ ही वो लोग वापस से चलना स्टार्ट कर देते थे और मिस लू जो थी मैप का टुकड़ा लेके यू को आगे आगे मतलब रास्ता बता रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग फाइनली उस टॉम के पास लॉन्गजू टॉम जो था वहाँ पे पहुँच जाते, बोलते फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये बोलता है कि मुझे लगता है ये जो लॉन्गजू टॉम है यहाँ पे किसी तरह का बैरियर लगा हुआ और यहाँ पे कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग को कोई ना कोई तरकीब निकालना होगा। लेकिन मिस लू जो थी दरवाजे के पास जाती बोलती है यहाँ पे देखो यहाँ पे एक चाबी लगाने का मतलब किसी तरह लॉक है, अगर हम लोग के पास चाबी हो तो हम लोग अंदर जा सकते हैं। ये बोलता है कि रुक जा रुक जा, मुझे याद है कि मिस सू जो है उसके पास किसी तरह का हेयर पिन था जो कि एक ड्रैगन पैटर्न में बना हुआ था, तो हो सकता है वो इस दरवाजे का चाबी हो सके। ये बोलता है कि क्या तुम उसको खुद ब खुद बाहर निकालोगी या फिर चाहती हो कि मैं उसको बाहर निकाल लूँ। बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसा कहने के साथ ही वो बोलती है कि पहले मेरा हाथ खोल दो उसके बाद मैं उस चाबी को खुद ब खुद निकाल के तुम्हें दे दूँगी। ये बोलता है ठीक है लेकिन अगर तुमने यहाँ पे चालाकी करने की जरूरत की तो तुम समझ सकती हो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर दूंगा। बोलती हाँ ठीक है। साथ ही वो उसके हाथ खोल देता है तो उसके बाद वो चाबी निकाल के उस दरवाजे के अंदर उस की को लगा देती है जिसकी वो दरवाज़ा जो होता है खुलना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो मतलब लाइट होता है चमक रहा होता है और वो दरवाज़ा जो होता है एक मैजिकल तो दरवाज़ा होता है, इसलिए वो दरवाज़ा खुलने के बाद काफ़ी ज़्यादा लाइट निकल रही होती है और इस लाइट के निकलने के साथ ये एपिसोड होते हैं एंड हो जाता है। तो आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।